हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज का जो मेरा टॉपिक है, फॉर्मेशन ऑफ स्टीम, मतलब क्या होता है, जो वाटर को स्टीम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और उसकी जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट होती हैं वो क्या क्या होती हैं, जैसे कि बेड स्टीम क्या होती है, ड्राई सेचुरेटेड स्टीम क्या होती है, सुपर हीटेड स्टीम क्या होती है, डायनेक्स फ्रिक्शन क्या होता है, सेंसिबल हीट क्या होती है, लेटेंट हीट क्या होती है, ये टर्म्स हम सारे डिफाइन करने वाले हैं और एग्जाम्पल के थ्रू समझाने वाले हैं विथ ग्राफ। तो आप मेरा वीडियो पूरा देखें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जिससे कि आपको सब सारे टॉपिक समझ में आ सकें, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, इससे पहले कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं जो वीडियो डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पहुँच सकें और वो आप देख सकें। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ये मैंने पहले ये कुछ डायग्राम लिए हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, है। माना कि एक सिलेंडर है, उसमें पिस्टन लगी हुई है जो कि अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव कर सकती है सिलेंडर के अंदर, ठीक है। माना कि 1 kg ऑफ वाटर है, किस पे, 0 डिग्री सेल्सियस। कितना उसका टेम्परेचर का, टेम्परेचर है जो वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस एट एटमोस्फेरिक प्रेशर पर, ठीक है। अब क्या करते हैं, जब स्टीम में कन्वर्ट करना है तो अपन क्या करेंगे, वाटर को गर्म करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, हीट देंगे, अपन हीट देंगे तो ये वाटर क्या है, बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन अपन हीट देते रहेंगे आगे, तो क्या होगा, एक स्थिति ऐसी आएगी, यह वाटर स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। किस में कन्वर्ट होना, स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब स्टीम में कन्वर्ट होना जब वाटर स्टार्ट हो जाता है, इसके बाद अपन फिर और कंटिन्यू हीट देना जारी रखते हैं, तो क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होना बंद हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, हीट दे रहे हैं अपन और जो वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता रहेगा, लेकिन टेम्परेचर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर नहीं बढ़ता उसके बाद, किसके बाद, एक बॉइलिंग पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट के बाद, ठीक है। स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, उसका मतलब जब वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है तो पिस्टन मूव होगा कुछ, है ना, जैसे कि ये देखा है ना। तो अब जो जो अब जैसा कि मैंने बताया 0 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, जो अपना स्टीम में कन्वर्ट होना वाटर स्टार्ट हो गया, और जहाँ के बाद क्या हुआ, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो गया, मतलब उसके बाद टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, हीट दे रहे हैं अपन लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है और वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस जो टेम्परेचर को अपन क्या बोलते हैं, सेचुरेशन टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, सेचुरेशन टेम्परेचर, सेचुरेशन टेम्परेचर, ठीक है ना। तो मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से सेचुरेशन टेम्परेचर के बीच में अपन हीट सप्लाई, जो हीट सप्लाई कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, सेंसिबल हीट, ठीक है। याद रखें, 0 डिग्री सेल्सियस से एट एटमोसफेयर प्रेशर पर जो अपन हीट देते हैं, कब तक, जब तक कि टेम्परेचर सेचुरेशन टेम्परेचर, सेचुरेशन टेम्परेचर किसको बोलते हैं, जब हीट जो वाटर है स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और एक ऐसा टाइम आता है कि टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाता है, हीट अपन देते हैं लेकिन टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा, उस टेम्परेचर को सेचुरेशन टेम्परेचर बोलते हैं। और जीरो से और सेचुरेशन टेम्परेचर के बीच में जो हीट देगी उसको बोलते हैं सेंसिबल हीट, याद रखें, क्या बोलते हैं, सेंसिबल हीट, ठीक है। अब जो सेकेंड डायग्राम पे आते हैं, ठीक है, माना कि यहाँ पर सेचुरेशन टेम्परेचर, मतलब इसके बाद अपने हीट दे रहे हैं, इसको इसको क्या दे रहा है, हीट दे रहा है, लेकिन टेम्परेचर यहाँ पर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट है, वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा मतलब पिस्टन कुछ मूव करा गया, माना कि थोड़ा सा कुछ चेंजिंग आया, तो उसमें क्या हुआ है ना, तो क्या अब क्या होता है, कुछ परिवर्तन आया मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। अब इस स्थिति में क्या होता है, जो सेचुरेशन टेम्परेचर है, याद रखें, सेचुरेशन टेम्परेचर जो प्रेशर होता है उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, कैसा होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती होता है, मतलब क्या होता है, अगर दाब बढ़ेगा या प्रेशर बढ़ेगा तो सेचुरेशन टेम्परेचर भी बढ़ेगा, अगर प्रेशर कम होगा तो सेचुरेशन टेम्परेचर भी कम होगा, ठीक है। अब ये तो हो गया सेंसिबल हीट की बात और सेचुरेशन टेम्परेचर की बात। अब क्या होता है, क्योंकि अब सेचुरेशन टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो गया, अब टेम्परेचर कांस्टेंट होने के बाद हीट अपन कंटिन्यू सप्लाई कर रहा है, ठीक है, क्योंकि अपन को जो वाटर है पूरे वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना है। अब क्या होता है, उसको अपन जब हीट और देते रहेंगे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, लेकिन उसका स्टेट परिवर्तन होने लगता है, ये अवस्था परिवर्तन होने लगती है, ठीक है, मतलब वो अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है, जैसे कि मैंने आगे बताया। अब अगर वाटर के अंदर, अगर स्टीम के अंदर वाटर के पार्टिकल्स मौजूद हैं, स्टीम के अंदर वाटर के पार्टिकल्स मौजूद हैं तो उसे बेट स्टीम बोलेंगे, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ेगा क्योंकि स्टीम बन रही है तो इसको पुश करेंगे, और किसके ऊपर, कॉन्स्टेंट प्रेशर के ऊपर, ठीक है, जो के RW क्या लगाया, कॉन्स्टेंट प्रेशर लगाया हुआ। इसी तरह और हीट सप्लाई करते रहेंगे किसके ऊपर, सेचुरेशन टेम्परेचर के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, ये पूरी तरह कन्वर्ट किस में हो जाएगा,
स्टीम में वाटर क्या हो जाएगा, पूरा ये जो वाटर के कुछ पार्टिकल्स थे वो पूरी तरह कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, स्टीम में। तो इस स्टीम को क्या बोलते हैं, ड्राई एंड सेचूरेटेड स्टीम। उसका जो वॉल्यूम बढ़ेगा उसको वी जी से कन्वर्ट करते हैं, वी जी माइनस वी एफ, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम था वी एफ था, किसका, वाटर का, जो पिस्टन स्टार्टिंग में थी। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर, तो क्या हो गया, अब क्या हो? देखा मैंने, क्या देखा यहाँ से, मतलब एट सेचुरेशन टेम्परेचर, मतलब जहाँ के पास कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाता है और उसका अवस्था परिवर्तन होती है वहाँ से लेकर, और जी पूरी तरह स्टीम में वाटर कन्वर्ट हुआ, उस जो हीट देते हैं उस हीट को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा। ठीक है, क्या क्या बोलते हैं, सेचुरेशन टेम्परेचर पर, है ना, अवस्था परिवर्तन के दौरान जो हीट देते हैं अपन उसको क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। ठीक है ना, समझ में आया, जैसे कि मैंने इस डायग्राम में समझाया था। अब क्या होता है, यहाँ पर सेचुरेशन टेम्परेचर हो गया, मतलब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो गया, इसके बाद हीट दे रहा है, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, जीरो से सेचुरेशन टेम्परेचर तक क्या हुई, सेंसिबल हीट। अब यहाँ इस सेचुरेशन टेम्परेचर के बाद हीट दे रहा है अपन जी, लेकिन टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है और अवस्था परिवर्तन हुआ, जैसे कि वेट स्टीम में कन्वर्ट हुआ, ड्राई सेचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, लेटेंट हीट। ठीक है, अब क्या होता है, इसके बाद भी अपन इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जो टेम्परेचर बढ़ता है उसको टी सुपर से डिनोटेट करते हैं, और उसको उस स्टीम को क्या बोलेंगे, सुपर हीटेड स्टीम। ठीक है, स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद और कंटिन्यू अपन उसमें हीट देते हैं तो वो सुपर हीटेड में स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब इसकी हमने कुछ डेफिनेशन लिखी, वो पढ़ लें। जैसे लिखा है, वेट स्टीम व्हेन द कंटेंट्स मॉइस्चर और पार्टिकल्स ऑफ वाटर इज सस्पेंशन इट इज सेड टू बी वेट स्टीम। ड्राई सेचुरेटेड स्टीम की लिखी हुई, व्हेन द वेट स्टीम इज फर्दर हीटेड एंड इट डज नॉट कंटेन एनी सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ वाटर इट इज नॉन एज ड्राई सेचुरेटेड स्टीम। सुपर हीटेड स्टीम, व्हेन द ड्राई स्टीम इज फर्दर हीटेड एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर दस राइजिंग इट्स टेम्परेचर इट इज सेड टू बी सुपर हीटेड स्टीम। ठीक है, इन सब को टर्म्स को अपन, या पूरा जो भी समझाया मैंने अभी तक, इसको अपन ग्राफ से समझते हैं और इसके फॉर्मूले समझते हैं। जैसे कि एक ग्राफ बनाया हुआ है, कैसे परिवर्तन, देखो टीएस क्या है, सेचुरेशन टेम्परेचर है, क्या है, सेचुरेशन टेम्परेचर टीएस, और टी सुपर क्या है, जो सुपर हीटेड स्टीम है उसका टेम्परेचर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक्चुअली क्या, वाटर भरा हुआ है, मान लो यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है एट एटमोस्फेयरिक पर, अब यहाँ अपन हीट सप्लाई कर रहा है, हीट मतलब इधर दिखा रहा है, हीट एडिशन मतलब इधर हीट सप्लाई करेंगे, इधर टेम्परेचर बढ़ेगा, उसका स्टीम का परिवर्तन जो भी हो रहा है वो दिखाया जाएगा। तो मैं समझा देता हूँ कैसे, मान लो यहाँ वाटर है, इसमें हीट सप्लाई की, हीट सप्लाई की तो ये उसका वाटर बॉइलिंग होना स्टार्ट हुआ और धीमे धीमे बॉइल हुआ, एक पॉइंट ऐसा आया कि इसको स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, स्टीम में मान लो ये पॉइंट है, स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, इस पॉइंट पर माना कि अब ये यहाँ इसके बाद अपन हीट सप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा लेकिन हीट सप्लाई करेंगे, ठीक है, वो स्टीम में कन्वर्ट होता रहेगा लेकिन टेम्परेचर जो बढ़ रहा है वो शो नहीं कराएगा, वो कॉन्स्टेंट शो कराएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ से कॉन्स्टेंट शो कराना स्टार्ट होता है, ठीक है, वहाँ तक जो हीट दी जा रही, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से जो यहाँ तक जो हीट दी जा रही है, ठीक है, स्टीम यहाँ तक, स्टीम परिवर्तन के लिए, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, सेंसिबल हीट, क्या बोलते हैं, सेंसिबल हीट। ठीक है, अब क्या होता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या हुआ, मतलब टेम्परेचर क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, तो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर तक या सुपर सेचुरेटेड जो टेम्परेचर है वहाँ तक, सेचुरेटेड सेचुरेशन टेम्परेचर तक, ठीक है, क्या बोले, सेंसिबल हीट। अब इसके बाद अपन हीट सप्लाई कर रहा है, इसको कंटिन्यू हीट बढ़ा रहा है इधर, तो क्या एवेपोरेशन स्टार्ट हुआ, मतलब जो वाटर उसको स्टीम में अपने आप ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो रहा है, हीट देते जा रहा है क्यों, और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, तो क्या हुआ, वह उसकी स्टेट परिवर्तन होने लगे, अवस्था परिवर्तन क्या हुआ, वो वेट स्टीम में कन्वर्ट हुआ, वेट स्टीम मतलब उसमें वाटर के पार्टिकल्स, इसको और हीट दिया तो वो किसमें, ड्राई सेचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो उसके दौरान जो हीट दी गई उस हीट को अपन क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट, ये शो करा रहा है इस टेम्परेचर के ऊपर, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर रहा, कॉन्स्ट टेम्परेचर नहीं बढ़ा क्योंकि वो बढ़ता तो ऊपर को शो कराता है ना, तो इस टेम्परेचर पर जो हीट दी गई स्टेट परिवर्तन के दौरान उसे बोलते हैं लेटेंट हीट, याद रखें। ठीक है, अब उसके बाद फिर अपन ने हीट कंटिन्यू देना स्टार्ट किया, तो फिर क्या होता है, एक टेम्परेचर जो ड्राई स्टीम है उसको अपन हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब ड्राई स्टीम को अपन ने तो जी क्या हो जाएगी, सुपर हीटेड में कन्वर्ट हो जाएगी, ये ग्राफ सुपर हीटेड में कन्वर्ट हो रही, मतलब टेम्परेचर ऊपर को देखो बढ़ रहा है, तो टी सुपर बोलेंगे और जो क्या हीट ऑफ सुपर हीटेड है ना उसको एच ऐसे, अब इसके फॉर्मूले हैं, इसे एच सुपर से डिनोटेट कराएंगे,
ठीक है, तो इसके फॉर्मूले देख लेते हैं। सेंसिबल हीट हो गई, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय 1 kg ऑफ वाटर व्हेन हीटेड एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर फ्रॉम द फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस टू द टेम्परेचर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टीम दैट इज सेचुरेशन टेम्परेचर, जो मैंने अभी आपको समझाई थी, वो एच एफ इजकल टू क्या होता है, इसको डिनोटेट करते हैं, मतलब सेंसिबल हीट को एच एफ से डिनोटेट करते हैं इन स्टीम टेबल में। ठीक है, इस तरह क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसको भी समझ लेते हैं, इसकी भी डेफिनेशन लिखी मैंने जो समझाया था, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड टू एवेपोरेट 1 kg ऑफ वाटर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट और सेचुरेशन टेम्परेचर, ये जो वाला है ना हीट, लेटेंट हीट टेम्परेचर विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है ना, उस पर जो हीट दे रहा है उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट, इट इज डिनोटेड बाय एच एफ जी, इसको एच एफ जी से शो कराते हैं। और ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, इट इज़ द रेशो ऑफ द मास ऑफ एक्चुअल ड्राई स्टीम टू द मास ऑफ सेम क्वालिटी ऑफ वेट स्टीम, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय एक्स से डिनोटेड करते हैं, एम जी अपॉन एम जी प्लस एम एफ, फॉर्मूला होता है एम जी अपॉन एम जी प्लस एम एफ, या एम जी प्लस एम एफ को एम से भी शो कराते थे, एम जी क्या होता है मास ऑफ एक्चुअल ड्राई स्टीम, एम एफ क्या होता है मास ऑफ वाटर, और एम इजकल टू, ये दोनों को ऐड कर दो तो एम इजकल टू लिख सकते हैं। अब इसके कुछ फॉर्मूले जैसे कि मैंने उधर नहीं लिखे, वेट स्टीम का क्या होता है, एच इजकल टू एच एफ, याद रखें एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी, ये क्या होगा सेंसिबल हीट, ये जो एच एफ जी है क्या होती है लेटेंट हीट, ठीक है, एक्स क्या है ड्राइनेस फ्रैक्शन। अब क्या होता है ड्राई स्टीम के लिए एक्स इजकल टू वन होता है, इसलिए इसमें जब एक्स की वन रख देंगे तो फॉर्मूला क्या बचेगा एच एफ प्लस एच एफ जी, ठीक है, एच एफ प्लस एच एफ जी, क्योंकि इसमें ड्राई हो जाती है जो एक वाटर होता है, मतलब जो बोले जो मास ऑफ वाटर होता है वो खत्म हो जाता है, सिर्फ ओनली जो स्टीम का मास बचता है, इसलिए एक्स स्केल टू जो ड्राइनेस फ्रैक्शन बन हो जाता है, इसलिए बन मानते हैं ना, तो क्या हो जाए? क्योंकि यहाँ पर बन हो, यहाँ पर जो है इक्वल हो जाएंगे कट जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बन हो जाएगी, इसलिए एक्स स्केल टू बन होता है, तो जी इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। इस तरह सुपर हीटेड का फॉर्मूला लिखा हुआ है एच सुपर स्केल टू एच एफ प्लस एच एफ जी है ना, ए वाला प्लस सी पी टी सुपर माइनस टी, मीन सी पी क्या होता है मीन स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और टी सुपर क्या टेम्परेचर ऑफ सुपर हीटेड, टी क्या सेचुरेटेड सेचुरेटेड टेम्परेचर, टी है ना जो टी है ये वाला, और टी सुपर टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है, इसको यहाँ पर टी एस भी लिख सकते हैं सेचुरेशन टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ भी टी एस लिख सकते हैं, ठीक है। अब जी क्या होता है, अपना अभी फॉर्मूला ऐसे ये लिखा तो इसने एच जी लिख दिया, इसको मॉडिफाई कर दिया फॉर्मूला को सी पी टी सुपर में, अब क्या होता है एच एफ और एच एफ जी की वैल्यू और टी सुपर की वैल्यू कहाँ से लाएंगे अपन, अगर न्यूमेरिकल में आता है तो इसकी जो वैल्यू स्टीम टेबल से आएगी, स्टीम टेबल किसी बुक के पीछे भी रहती है और स्टीम टेबल अलग से भी आती है, तो वहाँ से किसी प्रेशर पर न्यूमेरिकल दिया रहेगा, तो कोई एक पर्टिकुलर प्रेशर दिया रहता है उस प्रेशर के ऊपर अपन एच एफ और एच एफ जी की वैल्यू निकाल के और डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर देंगे, उससे अपना आंसर आएगा। अब तो जब मैं फॉर्मूला इसके न्यूमेरिकल्स कराएंगे तो उसमें मैं बताऊँगा कि स्टीम टेबल देखना भी बताऊँगा, उसके सारे जो भी वैल्यू पुट करके और न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स तो लाइक करें, शेयर करें और फ्रेंड्स को बताएं, मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।